गुड इवनिंग स्टूडेंट्स हाउ आर यू आई होप यू ऑल आर गुड सो वेलकम टू एजु स्मार्ट क्लासेस ज़ीरा सो बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत है एजु स्मार्ट क्लासेस ज़ीरा में और ये आपको पता है ये एजु स्मार्ट क्लासेस आपके लिए ही स्टार्ट किए जा रहे हैं जैसे कि आपको पता है कि एंटिटी टी तिरासी तिरानवे जो जॉब्स निकली हैं प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए उसके लिए आपको इसमें सारे टॉपिक्स करवाए जाएंगे सब सब्जेक्ट्स के रिलेटेड तो सबसे पहले आपका वेलकम है और सबसे पहले आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच जाए तो सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में डिसस करते हैं कि आपने सिलेबस को पता होना चाहिए आपको तो हमारी क्लास है रीजनिंग की क्लास तो उसके लिए आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए गुड इवनिंग स्टूडेंट्स हाउ आर यू आई होप यू ऑल आर गुड सो वेलकम टू एजु स्मार्ट क्लासेज ज़ीरा सो बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत है एजु स्मार्ट क्लासेज ज़ीरा में और ये आपको पता है ये एजु स्मार्ट क्लासेस आपके लिए ही स्टार्ट किए जा रहे हैं जैसे कि आपको पता है कि एंटिटी टी तिरासी तिरानवे जो जॉब्स निकली हैं प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए उसके लिए आपको इसमें सारे टॉपिक्स करवाए जाएंगे सब सब्जेक्ट्स के रिलेटेड तो सबसे पहले आपका वेलकम है और सबसे पहले आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच जाए तो सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं कि आपने सिलेबस को पता होना चाहिए आपको तो हमारी क्लास है रीज़निंग की क्लास तो उसके लिए आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए तो हमारे पास सिलेबस है प्री प्राइमरी टीचर्स का मेंटल मेंटलबिलिटी का सो so, मेंटलबिलिटी के लिए हमारे पास टॉपिक हैं अर्थमेटिकल रीजनिंग नंबर सीरीज रिलेशनशिप कॉन्टे कॉन्सेप्ट विजुअल मेमोरी टेबल सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस पजल्स स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन एंड लॉजिकल प्रॉब्लम्स और ये आपको जो पेपर है हंड्रेड मार्क्स में उसमें से आपको टेन मार्क्स की मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग रहेगी तो ये है हमारा सिलेबस और सिलेबस में हमारे पास नो डाउट टॉपिक बहुत सारे हैं हम स्टार्टिंग से धीरे धीरे करेंगे राइट right? और हर टॉपिक को हम कवर करते जाएंगे तो सबसे पहले जो हम टॉपिक करेंगे दैट इज़ नंबर सीरीज और नंबर सीरीज को सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए नंबर्स के बारे में कि व्हाट इज़ नंबर नंबर क्या है नंबर सिस्टम के बारे में हमें पता होना चाहिए तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा नंबर सिस्टम क्या है वो हम डिस्कस करते हैं सो लेट स्टार्ट नंबर सिस्टम तो स्टूडेंट्स नंबर सिस्टम के अंदर बहुत सारे नंबर आते हैं जैसे कि आप देख रहे हो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है नेचुरल नंबर तो नेचुरल नंबर ऐसे ही हमारे पास होल नंबर हैं नेक्स्ट इज इंटीजर्स रेशनल नंबर इरेशनल नंबर तो आप चेक कर रहे हो होल नंबर के अंदर हमारे पास इवन नंबर है ऑड नंबर है प्राइम नंबर है कॉम्पोजिट नंबर है तो इसको हम टर्न बाय टर्न एक्सप्लेन करते हैं कि ये कैसे नंबर्स होते हैं तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी नेचुरल नंबर अब नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं काउंटिंग नंबर्स मीन्स नेचुरल नंबर क्या होते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स और वी कैन से ऑल द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन वो नंबर जो स्टार्ट होते हैं वन से तो दे आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स जो नंबर्स वन से स्टार्ट होते हैं उन नंबर्स को हम कहते हैं नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन के साथ तो इसके हम एग्जांपल लेते हैं सो so, एग्जांपल है नेचुरल नंबर की वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन तो वो नंबर्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं और स्टार्ट होते हैं वन से तो दे दोस नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स सो एग्ज़ाम्पल है वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन मीन्स कंटिन्यू है आगे भी वो नंबर आते जाएंगे तो उन नंबर को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स राइट नाउ नेक्स्ट इज होल नंबर अब होल नंबर कौन से होते हैं होल नंबर आर डोज नंबर विच इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो होल नंबर्स होते हैं जो स्टार्ट होते हैं ज़ीरो से ज़ीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन वो नंबर्स जो स्टार्ट होते हैं ज़ीरो के साथ ज़ीरो वन टू थ्री एंड शो ऑन मीन्स आगे जो नंबर चल रहे हैं उनको हम बोलते हैं होल नंबर्स और होल नंबर्स आर डिनोटेड बाई डब्ल्यू डब्ल्यू के साथ हम इसे डिनोट करते हैं राइट सो नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो नेचुरल नंबर्स में हम अगर जीरो को इंक्लूड कर दें बिकॉज जो नेचुरल नंबर हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं वन से वन टू थ्री एंड सो ऑन और नेचुरल नंबर में ही अगर हम जीरो को भी ऐड कर दें ज़ीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन सो दो नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स और वी कैन से ऑल द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स और होल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू के साथ राइट right. So, इसके एग्जाम्पल है जीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन नाउ नेक्स्ट नंबर इज नाउ अब हम बताते हैं कि इवन नंबर क्या होते हैं इवन नंबर इवन नंबर वो नंबर होते हैं विच इज डिविजिबल बाय टू वो नंबर जो डिविजिबल होते हैं टू से मीन्स जो नंबर डिवाइड हो वो नंबर जो डिवाइड होते हैं टू के साथ उन नंबर को हम बोलते हैं इवन नंबर राइट सो इवन नंबर कौन से नंबर है विच इज डिविजिबल बाय टू फॉर एग्जांपल जीरो टू फोर क्स एट एंड सो ऑन वो नंबर जो टू से डिवाइड होते हैं दोज नंबर्स आर इवन नंबर राइट नाउ नेक्स्ट नंबर इज ऑड नंबर अब ऑड नंबर क्या होते हैं ऑड नंबर वो नंबर होते हैं विच इज नॉट डिविजिबल बाय टू वो नंबर जो टू से डिवाइड नहीं होते उन नंबर को हम बोलते हैं ऑड नंबर फॉर एग्जाम्पल वन थ्री फाइव सेवन एंड सो ऑन वो नंबर जो टू से डिवाइड नहीं करते विच नंबर डज नॉट डिवाइड बाई टू दे आर कॉल्ड और नंबर राइट नेक्स्ट नंबर इज प्राइम नंबर अब प्राइम नंबर क्या होते हैं विच हैज नो फैक्टर अदर देन वन एंड इट वो नंबर जिसका और कोई फैक्टर नहीं है वन एंड इट मतलब वन और उसी नंबर को छोड़कर और उसके कोई फैक्टर ना बनते हो और वो किसी पर भी डिवाइड ना करते हो तो उस नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर मैं फिर से समझा रही हूँ प्राइम नंबर क्या होते हैं प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका और कोई फैक्टर नहीं होता वन और उस नंबर को छोड़ के ठीक है तो वो नंबर कौन से होंगे फॉर एग्ज़ाम्पल टू है थ्री है फाइव है सेवन है एंड सो ऑन ये देखो आप चेक करो जैसे लाइक हमारे पास नंबर टू है अब हमारे पास नंबर टू है हम टू की बात कर रहे हैं तो टू नंबर जो है या तो टू से ही डिवाइड होगा अपने आप से डिवाइड होगा या फिर वो वन से डिवाइड होगा ऐसे नंबर थ्री है ऐसे नंबर फाइव है तो ये नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ़ वन से या अपने आप से डिवाइड होते हैं तो उन नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर और प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं टू से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टार्ट फ्रॉम टू राइट नेक्स्ट इज नेक्स्ट नंबर कौन सा नंबर है कौन से नंबर होते हैं वो नंबर विच इज नॉट प्राइम जो प्राइम नहीं है उस नंबर को हम बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर जो प्राइम नहीं होते उस नंबर को हम बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर या हम कह सकते हैं वो नंबर विच हैज मोर देन वन फैक्टर अदर देन एंड द नंबर सेल्फ मतलब वो नंबर जिसके वन से ज्यादा फैक्टर हो जो एक नंबर से ज्यादा उसके फैक्टर बनते हो वन एंड अदर देन इट सेल्फ वन को और उस नंबर को छोड़कर अगर कोई और नंबर भी उसके फैक्टर बनते हों तो उस नंबर को हम बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर अ नंबर विच हैज मोर देन वन फैक्टर अदर देन वन एंड इट्स जो वन और नंबर को छोड़कर उसके कोई और भी फैक्टर बनते हो वो किसी और नंबर से भी डिवाइड करते हो तो उस नंबर को हम बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर या हम सिंपल वे में कह सकते हैं वो नंबर जो प्राइम नहीं है वो उस नंबर को हम बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर राइट तो इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं आप नंबर चेक करो फोर लाइक फोर नंबर है अब आप देखो फोर नंबर को हम वन से भी डिवाइड कर सकते हैं फोर नंबर को हम उसी नंबर मीन्स फोर से भी डिवाइड कर सकते हैं और इसके कौन कौन से फैक्टर होंगे इसके फैक्टर टू भी तो है टू से भी तो ये डिवाइड करता है तो, तो दिस मीन्स तो इसमें कितने नंबर आ गए कितने नंबर हैं वन से ज़्यादा फैक्टर बन गए वन और फोर को छोड़ के वो नंबर और वन को छोड़ के और कोई नंबर भी आ गया लाइक टू नंबर भी आ गया तो दैट मीन्स ये नंबर कौन से हो गए कॉम्पोजिट नंबर हो गए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लाइक like हमारे पास सिक्स नंबर है लाइक like हमारे पास सिक्स नंबर है तो सिक्स नंबर के और कौन से फैक्टर हैं सिक्स डिवाइड करेगा वन से भी सिक्स डिवाइड करेगा सिक्स से भी सिक्स टू से भी डिवाइड करता है और सिक्स थ्री से भी डिवाइड करता है तो दिस मीन्स अ नंबर हैज मोर देन वन फैक्टर अदर देन वन एंड अदर नंबर इट तो वो नंबर जिसको हम जिसके वन से ज्यादा फैक्टर बनते हो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर तो इसके लिए आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि जो प्राइम नंबर नहीं है वो कॉम्पोजिट नंबर है तो फॉर एग्जाम्पल इसके लिए हम फोर है नंबर सिक्स भी है एट है नाइन है एंड सो ऑन तो ये नंबर कौन सा नंबर है कॉम्पोजिट नंबर और बेटा एक नोट है इम्पोर्टेंट नोट है और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है वन इज़ नीदर प्राइम ना तो ये प्राइम है दर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट ना तो ये प्राइम है ना ही ये कॉम्पोजिट है तो ये आप नोट करो ध्यान से कि जो ये वन नंबर होता है नंबर वन ना तो ये वन नंबर जो है ना तो ये प्राइम है नीदर प्राइम नॉर जिट तो ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि वन नंबर प्राइम है कि कॉम्पोजिट है तो इसके लिए ना तो ये प्राइम होता है ना ही ये कॉम्पोजिट होता है राइट right? तो इसके लिए हमने नेचुरल नंबर और होल नंबर आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं होल नंबर कौन से होते हैं और नेचुरल नंबर कौन से होते हैं

ज़ीरो नंबर भी आ रहा है और पॉजिटिव नंबर भी आ रहे हैं तो वो नंबर्स जो थ्री टाइप्स को कवर करता है वो नंबर्स जो थ्री टाइप्स को कवर करता है दैट इज दैट इज पॉजिटिव नंबर्स लाइक पॉजिटिव नंबर कौन से हैं लाइक वन है टू like है थ्री है राइट जीरो जीरो इंटीजर भी है राइट right? जीरो भी है नेगेटिव नंबर भी है नेगेटिव नंबर कौन से होंगे लाइक like हमारे पास माइनस वन है माइनस टू है माइनस थ्री है एंड सो ऑन तो दिस मीन्स जो इंटीजर्स है उसके अंदर हमारे पास थ्री टाइप्स आती हैं पॉजिटिव इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स और जीरो राइट सो जेड इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं जेड के साथ राइट right? और जो ये जेड वर्ड है इट कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड ये एक जर्मन वर्ड है जेलन तो जेलन ये एक जर्मन का वर्ड है उसका मतलब है टू काउंट इसका मीनिंग है काउंट राइट सो जेड कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड जेलन विच कम्स टू काउंट तो इसका मतलब है काउंट करना राइट सो आई होप यू अंडरस्टैंड इंटीजर्स इंटीजर्स में कौन से नंबर आते हैं राइट नेक्स्ट इज रेशनल नंबर अब रेशनल नंबर क्या होते हैं रेशनल नंबर में हम वो नंबर जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं द नंबर्स विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू राइट

सो दोज नंबर आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स सो रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो नंबर्स जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स हैं और रैशनल नंबर में आपने ये कंडीशन याद रखनी है कि पी और जो क्यू है वो बोथ आर इंटीजर्स और जो नीचे वाला दैट इज डिनोमिनेटर है ये कभी भी इक्वल टू ज़ीरो नहीं होना चाहिए तो उस नंबर को हम बोलते हैं रेशनल नंबर और रेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू के साथ राइट फॉर एग्जाम्पल वन अब वन को हम वन बाय वन भी लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल जीरो बिकॉज जीरो को भी हम जीरो बाय वन लिख सकते हैं वन बाय टू फोर बाय थ्री सो ऑल आर रेशनल नंबर्स राइट सो वो नंबर्स जिसको हम p बाय क्यू की फॉर्म में ले सकते हैं अब रेशनल कम्स फ्रॉम द वर्ड रेशनल जो है वो कौन से वर्ड से आया है वो आया है रेशो एंड q कम्स फ्रॉम द वर्ड क्वेश्ट राइट सो रेशनल नंबर्स इंक्लूड नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स एंड इंटीजर्स जो रेशनल नंबर्स हैं वो इंक्लूड करता है नेचुरल नंबर को भी होल नंबर्स को भी और इंटीजर्स को भी राइट नाउ नेक्स्ट नंबर इज इेशनल नंबर्स सो इेशनल नंबर नंबर कौन से होते हैं हम सिंपल वे में भी कह सकते हैं विच कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते उस नंबर्स को हम बोलते हैं इ रेशनल नंबर्स वे आर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो आर कॉल्ड इ रैशनल नंबर्स हम सिंपल वे में भी कह सकते हैं कि वो नंबर्स जो रैशनल नहीं हैं, उसको हम इेशनल नंबर बोलते हैं सो द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू राइट वो नंबर्स जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते उस नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स फॉर एग्जाम्पल अंडर रोट टू अंडर थ्री एंड सो ऑन सो ऐसे नंबर्स जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते उस नंबर्स को हम बोलते हैं इ नंबर्स राइट तो स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड नेचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर्स रेशनल इ अब जब हम सबको इंक्लूड कर दें ये सारे नंबर्स को हम इंक्लूड कर दें तो ये नंबर बन जाते हैं रियल नंबर्स सारे नंबर्स जब इंक्लूड हो जाते हैं तो कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इ रेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर तो दिस मीन्स हम जब भी रैशनल नंबर और नंबर नंबर्स number, की कलेक्शन करते हैं इन दोनों नंबर्स की जब हम कलेक्शन करते हैं तो उस नंबर्स को हम बोल देते हैं रियल नंबर्स और रियल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर के साथ फॉर एग्जांपल जीरो माइनस टू माइनस थ्री एंड सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी आपको नंबर सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे से पता चल गया राइट right? तो स्टूडेंट्स एक बार मैं आपको फिर याद करवा रही हूँ कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक like करना है थैंक यू फॉर वॉचिंग थैंक यू स्टूडेंट्स थैंक यू